लगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी 35वीं बार। मैंने मॉम को कहते सुना था। अगले महीने में 39वीं बार दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे थे। सच में? तुम्हारी खबर बहुत पुरानी है नोबिता। हाँ तो बताओ फिर आगे क्या हुआ। हाँ, कौन था वो कलाकार की? सब लोग सुनियो की खबरें ही सुनने में खुश थे। पर ये भी तो सोचो सुनियो को ऐसी चीजों के बारे में क्यों बताए नोबिता? इसका कारण ये है क्योंकि वो हमेशा बड़ों की बातों पर ध्यान देता है। उसके डैड के फ्रेंड टीवी न्यूज में काम करते हैं और वो घर पर भी खबरें जमा करता रहता है। मैं सबसे आगे हूँ। मैं उससे कभी नहीं जीत पाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जीत देता हूँ। ये क्या है? ये हर जगह की मजेदार खबरें जमा करती है। शहर की मजेदार खबरें जमा करो और सबको चौंका दो। खबर 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 आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बाजार में बैंगन के स्वाद वाला नया सोडा आने वाला है। अच्छा।
टिकट मेरी 20 रुपए होने वाली है। लेकिन इस बारे में तुम्हें कैसे पता चला? गुड मॉर्निंग नोबिता। अरे हाँ, शिज़ुका तुम्हारा पसंदीदा ड्रामा जो मैं हमेशा से देखती हूँ वही वाला। दरअसल इस ड्रामे में जो लोग आते हैं वो अभी साथ नहीं है। ये खबर तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मछलियाँ पसंद है मिसाना को।